दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चट्टी पोखर के निकट घर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दिए जाने के मामले में पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है। इस न्यूज के प्रायोजक करता है मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर नियर ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। इस मामले में सिटी SP सागर कुमार ने बताया कि इस मामले में संलिप्त 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि छठी पोखर के मुन्नी महतो के घर के सामने 23 अप्रैल को रात में मंजीत यादव अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान वहां घात लगाए राम इकबाल उर्फ बुढ़वा ठाकुर के पुत्र गोलू ठाकुर, स्वर्गीय राम बालक ठाकुर के पुत्र हीरा ठाकुर एवं भगवान ठाकुर, कृष्णा महतो के पुत्र अर्जुन महादेव, राम इकबाल ठाकुर के पुत्र मिट्ठू ठाकुर समेत 7 लोगों ने घेर कर चाकू से सरे पेट में हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने मंजीत को DMCH इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। सिटी SP सागर कुमार झा ने कहा कि वर्ष 21 में दुर्गा पूजा के अवसर पर आरोपी पक्ष मृतकवादी मंजीत यादव से मारपीट किया था। इसे लेकर मंजीत ने विश्वविद्यालय थाना में 336/21 मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, सभी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मंजीत की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया था। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 10 बजे छठी पोखर निवासी स्वर्गीय सुखदेव यादव के 32 वर्षीय पुत्र मंजीत यादव अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। वहां पहले ही घात लगाए अपराधियों ने उन्हें रोककर ताबड़तोड़ चाकू मारकर लहूलुहान कर फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बेता ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत DMCH का ये मामला है। DMCH के गायनेकोलॉजी वार्ड में एक बच्चे की गायब होने की जो सूचना है वो मिली थी, तो इस संदर्भ में जो है SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बेता ओपी थानाध्यक्ष लवनी कुमारी, पुअनी त्रिषा सैनी, प्रापुअनी सौरभ कुमार एवं प्रापुअनी संदीप कुमार, इनके टीम का गठन करते हुए तकनीकी अनुसंधान करने का जो निर्देश है वो हमारे स्तर से दिया गया। तो इस टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है बच्चे को बरामद किया गया है, और इस बरामदगी में तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग किया गया है, CCTV का जो है अवलोकन किया गया। तो जो CCTV फुटेज में जो महिला का इमेज आ रहा था, तो उसकी जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है, और इस संदर्भ में फिर जो आई विटनेसेस हैं उनका बयान दर्ज किया जा रहा है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष भी जो है गवाही सुनिश्चित की जाएगी, और फिर अग्रतर कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। इस केस के जो वादी हैं वो अपहृत के मामा हैं, जो अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए गायनेकोलॉजी वार्ड में आए थे। तो जो गिरफ्तारी जिस महिला की हुई है उनका नाम रेणु देवी है, और ये दूधिया केवटी के रहने वाले हैं। इनके पति का रमजान के मुबारक महीने में आपके ईद को और ज्यादा खास बनाने के लिए आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। जी हाँ, मेम साहब लेडीज वेयर, जहाँ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर व फैंसी कपड़े, जैसे कि सूट पीस, प्लाजो, कुर्ती सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुन्नी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। नए नए डिजाइन के साथ साथ शादी विवाह, ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। मोबाइल नंबर 9234772764। मेम साहब की ओर से आप सभी को रमजान और ईद की ढेरों शुभकामनाएं।